बोलने मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। लिंबायत में एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से 8 साल की बच्ची की जान चली गई। फॉरेंसिक पीएम में खुला रिपोर्ट। पोस्टमार्टम होने के बाद पता चला कि वो डॉक्टर एक पशु डॉक्टर था। खुलासा हुआ कि बच्ची की मौत का इंजेक्शन और दवा देने से हो गई। डॉक्टर अपने घर पर ही क्लिनिक चला रहा था। घटना 20 नवंबर की। बच्चे की मां तेज बुखार के कारण बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर 24 तारीख को सिविल में भर्ती करा था, जहाँ इलाज के दौरान बच्चे की मौत हुई। पुलिस ने फर्जी डॉक्टर श्रीनिवास और डॉक्टर को गिरफ्तार कर श्रीनु लक्ष्मी नारायण गोड्डे को गिरफ्तार कर लिया। जी सर, आपका नाम? श्रीनिवास। जी, क्या हुआ था बच्ची के साथ? बच्ची की डेट हुई, आपकी धरपकड़ हुई है। चलो, मेरे पास इंजेक्शन लेना आया था, जो संजू सुधु नाम से उससे जाड़ा बंद होने का इंजेक्शन आता था, वो दिया मैंने। फिर बाद में क्या किस कारण से हो गया वो पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे आने से पहले वो 15 दिन से बीमार था बच्चे, वो बाद में बताया। तीन जगह पर भी दवा दिया, वो लोग अच्छा नहीं हुआ था। आपके पास कोई डिग्री है? हमारे तेलंगाना समाज के वो लोग हमारे में क्या संदूष नाम से वो लोग विश्वास करते हैं, इंजेक्शन दवा किया अच्छा नहीं हुआ तो भी इंजेक्शन लेने में अच्छा हो सकता है बोलते। आपके पास कोई डिग्री है डॉक्टर की? नहीं है सर। आप अपनी गलती भी स्वीकार करते हो? हाँ। कितने साल से डॉक्टर के काम कर रहे थे आप? 4-5। वैसे आप क्या करते हैं? LIC एजेंट का काम करता था, और बाकी जो नहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट करते थे। आप घर पर ही चलाते थे? घर पे नहीं चलाते थे। बच्ची की मौत हुई कितनी गंभीर, वापस क्या मान रहे हो आप? अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो? लेकिन किस कारण से हुआ मुझे पता नहीं सर। पीएम रिपोर्ट में आया कि जो आगे की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहे स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद, जय भारत।